सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अन साहब सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबरशिप को लेके है। आप सबको पता होगा कि इंडिया अभी एनएसजी मेंबरशिप को हासिल करना चाहता है ताकि वो क्रिटिकल मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हासिल कर सके। एनएसजी एक ऐसा इकलौता मेजर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम है जिसका इंडिया अभी तक मेंबर नहीं बन पाया है। इंडिया पहले ही 2017 में वासनर अरेंजमेंट, 2018 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का हिस्सा बन चुका है। पिछली बार चाइना की ऑपोजिशन की वजह से इंडिया को एनएसजी मेंबरशिप नहीं मिल पाई थी। इस बार भी इंडिया एनएसजी मेंबरशिप को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार चाइना इंडिया के खिलाफ नहीं जाने वाला है। वैसे भी काफी सारे देश एनएसजी मेंबरशिप के लिए इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और अगर इस बार इंडिया को एनएसजी मेंबरशिप मिल जाता है तो ये मोदी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बनने वाला है। अगला अपडेट इंडो वियतनाम जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को लेके है। अपनी बायलेटरल रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए 21 में से इंडिया और वियतनाम के नेवीज ने अपनी पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को साउथ चाइना सी में शुरू किया है। इसे कुछ 4 महीने पहले भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में इंडियन आर्मी और वियतनाम के आर्मी ने अपनी पहली मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। इंडिया के तरफ से अभी वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश शाम को भी ऑफर किया जा रहा है। ये सब इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कर रहा है। इसी पर कमेंट करते हुए चाइनीज मीडिया के तरफ से कहा गया है कि वो चाहते हैं कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री बने और एशिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया एक मेजर रोल अदा करे, लेकिन इंडिया चाइना को हमेशा ही दुश्मन की नज़र में देखता आ रहा है, जबकि इंडिया और चाइना एक दूसरे से काफी सारे चीजें सीख सकते हैं और आगे चल के इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने की जरूरत है, जिसे दोनों को ही फायदा होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स अभी अपनी फ्रंटलाइन फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना करने वाला है, जहां पर वो पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2018 में हिस्सा लेने वाले हैं। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट और यूके जैसे काफी सारे देश हिस्सा लेते हैं। इस एक्सरसाइज को 2006 से शुरू किया गया था और उसके बाद इसे हर 2 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। इस बार इस एक्सरसाइज को 27 जुलाई से अगस्त 17 तक कंडक्ट किया जाएगा और सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के कम से कम 4 सुखोई 30 MKI जेट्स को और XC-17 को इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाने वाला है। अगला अपडेट SU-57 को लेके। टर्किश मीडिया के मुताबिक टर्की अभी रशिया से SU-57 जेट्स को खरीदने के लिए बातचीत करने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक टर्की और रशिया के बीच होने वाली S-400 डील को लेके US थोड़ा नाखुश है, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट अब टर्की को F-35 जेट्स को डिलीवर नहीं करने वाला है और टर्की की तरफ से ये कहा गया है कि अगर यूनाइटेड स्टेट उनकी F-35 डील को सस्पेंड करता है तो वो रशिया से SU-57 जेट्स को खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर सकते हैं। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की SU-30 जेट्स को लेके है। नेशनल एयरफोर्स ऑफ एंगोला की तरफ से अभी 6 SU-30K फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए ऑफर दिया गया है, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स पहले इस्तेमाल कर रहा था। एंगोला पहले से ही 12 SU-30K फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स पहले 18 SU-30K फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रहा था और इन जेट्स को इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इंडियन एयरफोर्स में SU-30 MKI को शामिल किया गया, जो कि SU-30K से काफी एडवांस था और इन जेट्स को भी इकोनॉमिकल इश्यूज की वजह से MKI स्टैंडर्ड में अपग्रेड नहीं किया गया था और इन्हें रशिया को वापस लौटा दिया गया था और इनके बदले एडिशनल सुखोई 30 जेट्स को ले लिया गया था। इन जेट्स को अभी एविएशन रिपेयर प्लांट बेलारूस में रखा गया है और इनमें कुछ माइनर अपग्रेड्स करने के बाद इनको एंगोला को डिलीवर कर दिया जाएगा। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ईरान के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस को लेके है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने आज एक स्टेटमेंट में कहा है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन के द्वारा लगाए गए सैंक्शन की कदर करता है और उसके खिलाफ नहीं जाने वाला है, लेकिन इंडिया अपने फायदे के लिए किसी एक कंट्रीज के द्वारा लगाए गए सैंक्शन को फॉलो नहीं करने वाला है। इंडिया अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है और वो किसी कंट्री के दबाव में आके कोई भी फैसला नहीं लेने वाला है। इंडिया और ईरान के बीच काफी बेहतर इकोनॉमिक टाइज है और एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल रिलेशन है और इंडिया ईरान से काफी बड़ी मात्रा में ऑयल्स को भी इंपोर्ट करता है। आज सुषमा स्वराज जी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात करने वाले हैं, जहां पर यूनाइटेड स्टेट के द्वारा ईरान के ऊपर लगाए गए सैंक्शन के बारे में बातचीत होने वाली है।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।